फिशिंग विलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टोन फिश के बारे में। पीले, नारंगी और लाल पैच के साथ भूरे या भूरे रंग की त्वचा में ढकी हुई स्टोन फिश अपने आसपास के वातावरण के साथ बहुत अच्छी तरह से छलावरण करने की क्षमता रखती है। न केवल उन्हें नोटिस करना मुश्किल है बल्कि उनके आकार 30 से 40 सेंटीमीटर के बीच के कारण उन्हें अक्सर पत्थर या प्रवाल भित्तियों के हिस्से के लिए गलत माना जाता है। स्टोनफिश में भी अपने परिवेश में खुद को छिपाने की क्षमता होती है, इसलिए अगली बार जब आप डाइविंग कर रहे हो या समुद्र तल की खोज कर रहे हो तो तैयार रहें और इस प्राणी के लिए अतिरिक्त नजर रखें। चूंकि उन्हें नोटिस करना बहुत मुश्किल है, स्टोनफिश पर अक्सर कदम रखा जाता है जो जहर के थैलों को सक्रिय करता है। उनकी पीठ के साथ स्टोनफिश में जहर रखने वाले प्रत्येक के आधार पर ग्रंथियों के साथ 13 रीढ़ होते हैं। यह जहर केवल एक रक्षा तंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है और जब उनकी रीढ़ पर दबाव डाला जाता है तो उन्हें छोड़ा जाता है। स्टोनफिश शिकार के लिए अपने जहर का इस्तेमाल नहीं करती है। मांसाहारी के रूप में स्टोनफिश के आहार में मुख्य रूप से विभिन्न झींगा और अन्य मछलियां होती हैं। अपने उत्कृष्ट छलावरण कौशल के कारण वे आश्चर्य के तत्व का उपयोग करके अपने शिकार पर हमला करने में सक्षम हैं। वे कुछ तैरने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं, फिर एक सेकंड में अपने शिकार पर हमला कर सकते हैं और निगल सकते हैं। इस अविश्वसनीय गति के बावजूद वे आमतौर पर बहुत धीमी तैराक होते हैं। स्टोनफिश समुद्र की सबसे जहरीली मछली है और एक के काटने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ा खतरा गलती से एक पर कदम रखना है क्योंकि वे कम ज्वार पर लगभग अदृश्य हैं। सुई नुकीली रीढ़ एक जहरीले जहर को इंजेक्ट कर सकती है जो कष्टदायी दर्द और संभावित रूप से मृत्यु का कारण बन सकती है। स्टोनफिश द्वारा निर्मित विष दुनिया में सबसे अधिक विषैला होता है और मनुष्यों के लिए घातक होता है। पूरी तरह से ठीक होने के लिए प्रभाव को उलटने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटी वेनम की आवश्यकता होती है जो कष्टदायी दर्द और सूजन से शुरू होता है। अनजाने में कदम रखने से कई लोगों को स्टोनफिश के दंत का सामना करना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप 1950 के दशक के अंत में सबसे खराब स्थिति को रोकने के लिए एंटी वेनम बनाया गया था। जब तक उनके आसपास का क्षेत्र नम रहता है तब तक स्टोनफिश अपनी त्वचा के माध्यम से ऑक्सीजन को अवशोषित करके 24 घंटे तक जीवित रह सकती है। यह अक्सर पीछे हटने वाले ज्वार के दौरान देखा जाता है जो उन्हें आंशिक रूप से उजागर कर देता है, हालांकि इसके बाद वे आमतौर पर घुटन और निर्जलीकरण से मर जाएंगे। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे सभी वीडियो देखें।